Hello, welcome to my channel Mathsomatic, makes maths easy. Today we will study class 7 chapter 2 fractions and decimals, exercise 2.1 all questions solved. Aaj hum log padhenge exercise 2.1. Pehla question diya hua hai solve 2 minus 3 by 5, dusra question hai 4 plus 7 by 8, teesra question hai 3 by 5 plus 2 by 7. Dhyan se dekhenge तो हमको दिखेगा कि यहाँ पे हम लोगों को या तो ऐड करना है या फिर यहाँ पे हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है. क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे दिया हुआ है होल नंबर, ये है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड करना है विद प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ देखिए ये है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन, माइनस करना है विद प्रॉपर फ्रैक्शन. इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, होल नंबर्स प्रॉपर फ्रैक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको हमको ऐड करना है और माइनस करना है. देखिए कैसे होगा ये है मेरा एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, देखिए नंबर 1 2 माइनस 3 बाई 5. तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 का नीचे में कुछ नहीं है यानी कि हम लोग पकड़ लेंगे इसके नीचे में 1 है. ओके तो क्या होगा ये नीचे में 1 नीचे में 5, तो हम लोग कैसे लाएंगे कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर आएगा मेरा यहाँ पे 5. यहाँ 5 आ गया तो ये क्या हो गया 2 इंटू 5, ये हो गया 3 इंटू 1, बीच में माइनस था, मेरा आंसर आ गया 10 माइनस 3 बाई 5. ठीक है मेरा आंसर आ गया 7 बाई 5. 7 बाई 5 मेरा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 2 बाई 5. ठीक है देखिए नंबर 2, ये है मेरा 4 प्लस 7 बाई 8. तो यहाँ पे देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि हम लोग पकड़ लेंगे 4 के नीचे 1, ये हो गया मेरा नीचे में 1 नीचे में 8, मेरा कॉमन आ गया डिनोमिनेटर 8, तो ऊपर में हो गया 4 इंटू 8, यहाँ हो गया 7 इंटू 1, दोनों में प्लस था, यह आ गया बीच में प्लस, ये हो गया मेरा 32 प्लस 7 नीचे में 8, ये आ गया मेरा 39 बाई 8. ये हो गया मेरा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 39 बाई 8, इसको हम लोग ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 7 बाई 8. अब देखिए नंबर 3, ये कहता है 3 बाई 5 प्लस 2 बाई 7, दोनों ही मेरा एक यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे में मेरा एक का 5 है एक का 7 है, सेम नहीं है. सेम लाने के लिए हम लोग क्या किए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये मेरा आ गया 35, ऊपर में हो गया 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5, मेरा आंसर आ गया 21 प्लस 10 बाई 35, ये हो गया 31 बाई 35, ये हो गया मेरा एक प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पे देखिए ये आ गया मेरा 35, तो ऊपर में ये 3 इंटू 7 कैसे आया, यहाँ था मेरा 5, तो 5 के ऊपर में क्या था 3, तो 5 से हम लोग क्या किए कि मेरा 35 आया, 5 7 जा 35 किए, तो नीचे में हम लोग मल्टीप्लाई किए 7 से, इसलिए ऊपर भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है 7 से. ठीक है यहाँ था मेरा 7 और आ गया 35, तो क्या हो गया नीचे मल्टीप्लाई हुआ 5 से, 7 5 जा 35, तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से, ये हो गया मेरा 2 इंटू 5 यानी कि 10. ठीक है इस तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ओके अब देखिए नंबर 4, 4 है मेरा 9 बाई 11 माइनस 4 बाई 15. यहाँ पे 11 और 15 में कुछ कॉमन तो है नहीं, एलसीएम आ जाएगा मेरा इसका 165. तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने 11 के साथ मल्टीप्लाई किया 15 को, मेरा आ गया 165, इसलिए ऊपर में हम लोगों ने 15 से मल्टीप्लाई किया है 9 के साथ, माइनस नीचे में था 15, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 11, तो आ गया मेरा 165, इसलिए ऊपर में था 4, तो 4 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है 11, मेरा आ गया आंसर 135 माइनस 44 यानी कि 91 बाई 165, ये हो गया है मेरा एक प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट नंबर 5, 7 बाई 10 प्लस 2 बाई 5 प्लस 3 बाई 2, ये आ गया मेरा नीचे में कॉमन ले लिए 10, 5 और 2 का मेरा कॉमन आ जाता है यानी कि एलसीएम आ जाता है 10, ये नीचे में 10 आ गया तो ऊपर में मेरा क्या आ गया 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, ये आ गया मेरा ऊपर में 26 बाई 10. देखिए ऊपर का नंबर बड़ा हो गया यानी कि ये हो गया मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया, ये मेरा आ गया 26 बाई 10 यानी कि आ गया आंसर 23 बाई 5. ये है नंबर 7, ये है मेरा 8 1 बाई 2 माइनस 3 5 बाई 8, ये हो गया मेरा 8 जो 16 प्लस 1 17 यानी कि 17 बाई 2, 17 बाई 2 आ गया, फिर 3 8 जो 24 प्लस 5 29 यानी कि 29 बाई 8, ये आ गया 29 बाई 8, दोनों को हम लोग देखिए माइनस किए हैं, नीचे में क्या है 2 नीचे में क्या है 8, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, एलसीएम हो गया 2 और 8 का 8, इसलिए ऊपर में हो गया है मेरा 17 इंटू 4 माइनस 29 इंटू 1, ये आ गया 68 माइनस 29 बाई 8, तो मेरा आंसर आ गया 39 बाई 8, तो ये मेरा हो गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन.
इसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं कुछ इस तरीके से, तो मेरा आंसर आ गया है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि हो गया 4/7/8 आंसर। नंबर 6 है मेरा 2/2/3 + 3/1/2, ये आ गया मेरा 3/2 + 6 + 2 = 8, यानी कि 8/3 + 7/2, इन दोनों के नीचे में क्या है 3 और 2, एलसीएम क्या हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6, तो ऊपर में हो गया 8 × 2 + 7 × 3, ये हो गया मेरा 8/2 = 16 + 7/21/6, ये हो गया है मेरा 37/6, ये मेरा आ गया आंसर। लेकिन ये मेरा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करेंगे मेरा आंसर आ गया 6/1/6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि दिए हुए नंबर्स को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि बड़ा नंबर पहले आएगा और छोटा नंबर बाद में आएगा, यानी कि लार्जर नंबर पहले और स्मॉलर नंबर बाद में। ठीक है, देखिए कैसे होगा। ये है नंबर 2, ओके 2 का 1 दिया हुआ है 2/9 2/3 8/21, तो हम लोग बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा कौन सा है कैसे पता करें। इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि 9, 3 और 21, ये तीन को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम करने के लिए क्या किए हम लोग, एलसीएम किए, यहाँ पे ले लिए 9 फिर 3 फिर 21, हम लोगों ने डिवाइड किया है, देखिए 3 3 9 3 1 3 3 7 21, फिर 3 1 3 फिर ये रह गया 7, फिर 7 यहाँ पे लिए तो ये आ गया 7 1 7। इस तरीके से हम लोगों ने इसका निकाल लिया है एलसीएम, ये क्या नंबर आ गया 3 3 7, यानी कि इसका एलसीएम हो गया है 3 × 3 × 7 यानी कि मेरा 63। अब नीचे में मेरा ये तीनों का आ जाएगा 63, देखिए ये आ गया है मेरा यहाँ पे 63। ठीक है, तो मेरा ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये था मेरा 2/9, तो 9 के जगह में आ गया है मेरा 63, तो हम लोग 9 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं 7 को 63 लाने के लिए, 9 7 जा होता है मेरा 63, तो नीचे में 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी हम लोग यहाँ पे देखिए 7 से मल्टीप्लाई, इसलिए हो गया 2 7 14, आंसर आ गया 14/63। ये था मेरा 3, तो 3 के साथ क्या आ गया यहाँ पे 63 आ गया, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई किए कि मेरा 63 आया है, 3 21 जा 63 होता है, तो ऊपर में हम लोग 2 के साथ 21 को मल्टीप्लाई किए, आंसर आ गया 42/63। सिमिलरली यहाँ पे 21 था तो नीचे में आ गया मेरा 63, तो 21 के साथ अगर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 63, इसलिए ऊपर भी हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मेरा 3 8 24, नीचे में 63, तो ऊपर में मेरा क्या है 14 42 और 24, तो नीचे में क्या है 63 63 63, 14 छोटा है मेरा, उसके बाद है 24, उसके बाद है 42, देखिए सबसे बड़ा आ गया 42, फिर आ गया 24, फिर आ गया 14, यानी कि 42 जिस नंबर में है वो नंबर सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि कौन सा सेकंड वाला, यानी कि 2/3, ये 2/3 मेरा सबसे बड़ा नंबर हो गया, फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है मेरा 24 कहाँ पे, देखिए इस नंबर के साथ लास्ट वाले के साथ है, लास्ट वाला कौन सा है 8/21 मेरा हो गया, फिर देखिए 8/21, फिर लास्ट में क्या बच गया 14 किसके साथ है मेरा, इसके साथ यह है कि मेरा 2/9, ये है मेरा देखिए 2/9। इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है। डिनोमिनेटर मेरा जब भी कॉमन आ जाएगा तो न्यूमरेटर में जो नंबर छोटा या बड़ा होगा वही फ्रैक्शन मेरा बड़ा या छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2, यहाँ दिया हुआ था 1/5 3/7 7/10, यहाँ पे देखिए जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 5 7 10 है, इसका एलसीएम निकाल लिया 5 7 10 का, मेरा एलसीएम आ गया 70, तो नीचे में कर दिया 70, 1/5 था, 1/5 में अगर नीचे में 70 लाए हैं तो हम लोग ऊपर में मेरा 14 आ गया, क्यों 5 × 14 करते हैं तो आंसर आता है मेरा 70, इसलिए ऊपर भी मेरा 14 से मल्टीप्लाई हुआ है। नीचे में देखिए 3/7 है, ये मेरा नीचे में क्या आ गया 7 के जगह में आ गया 70, यानी कि 7 × 10 = 70, इसलिए ऊपर में 3 × 10 यानी कि 30/70, नीचे में क्या था 10, मेरे यहाँ पे था 70, यानी कि 10 7 = 70 आता है, ये हो गया है नीचे मेरा × 7, इसलिए ऊपर हो गया मेरा × 7, यानी कि 7 7 = 49 और नीचे में आ गया है 70। ठीक है, तो नीचे में देखिए मेरा 70 यहाँ भी है, 70 यहाँ भी है, 70 यहाँ भी, तो ऊपर में जो नंबर बड़ा होगा वो मेरा सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी कि 14 30 और 49 में कौन सा बड़ा है, 49 बड़ा है, फिर आता है 30, फिर आता है 14, तो 49 किस में है, 49 मेरा है 7/10 में है, तो सबसे पहले मेरा आ गया 7/10, उसके बाद क्या है 30 कहाँ है मेरा 3/7 में, फिर आ गया 3/7, 14 कहाँ है 1/5 में, ये आ गया 1/5, ये मेरा आ गया साइन ग्रेटर देन का, फिर आ गया ये वाला साइन ग्रेटर देन का। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज सेम, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर? क्या ये मैजिक स्क्वायर है, ये पूछ रहा है। देखिए कैसे होगा, ये है नंबर थ्री, ये है कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, रो वन, रो टू, रो थ्री, डायगोनल वन, डायगोनल टू। जैसा मेरा बॉक्स में लिखा हुआ था वैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कॉलम वन देखिए 15x11, ये है मेरा देखिए कॉलम वन, यानी कि ये वाला जो कॉलम है पहला कॉलम यहां से लेके चालू होता है और ये वाला पूरा, ठीक है, इसमें क्या है देखिए नीचे 11 है सब में, यानी कि मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का नंबर को हम लोग प्लस करना है, 4+3, 3+8, यानी कि 4+3 7, 7+8 हो जाएगा मेरा 15, ये मेरा आ गया 15x11। ठीक है, इस तरीके से मैंने सबको ऐड किया है, कॉलम वन ये है, कॉलम टू ये है, कॉलम थ्री ये है। कॉलम वन इस तरीके से आ गया 15x11, कॉलम टू भी 15x11, इस तरीके से सारा का सारा मेरा आ गया है 15x11। ठीक है, सिंस वी कैन सी दैट एडिशन ऑफ ऑल कॉलम्स एंड रोज एंड डायगोनल्स इज सेम, सारा को हम लोग ऐड किए हैं तो सबका आंसर मेरा एक ही आता है जो कि मेरा आंसर है 15x11। देयरफॉर इट इज ए मैजिक स्क्वायर, इसलिए हम लोग इसको एक मैजिक स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेरा नंबर फोर, ये कहता है ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। एक ऐसा पेपर है जो 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमको इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड को ऐड कर देंगे तो मेरा निकलेगा पेरीमीटर। देखिए कैसे होगा, ये है नंबर फोर, लेंथ दिया हुआ है 12 1/2 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 2/3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ। ये मेरा है पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या था 12 1/2 + 10 2/3, यहाँ पे किए हैं और सामने में इसका मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2 से, ये हो गया मेरा 12 × 24 + 1 = 25, यानी कि 25/2, ये हो गया है 3 × 10 = 30 + 2 = 32/3। तो ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, सेम तो नहीं है, सेम कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर दिए आ गया 6। तो यहाँ देखिए ये हो गया 25 × 3 और ये हो गया है 32 × 2, मेरा आंसर आ गया 75 + 64/6। इसको ऐड किए तो मेरा आंसर क्या आया देखिए 139/6 और सामने में 2 था, ये आ गया 2 × 139/6, 2 × 3 = 6, ये नीचे में 3 आ गया तो ऊपर में क्या हो गया 139/3, इसको डिवाइड किए तो मेरा आंसर आ गया 46 1/3। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने इसका निकाल लिया है पेरीमीटर जो कि है सेंटीमीटर में। ओके, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है नंबर फाइव। नंबर फाइव कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई इसका निकालना है पेरीमीटर, फिर द रेक्टेंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर, फिर हमको निकालना है बी सी डी ई का पेरीमीटर, यानी कि सबसे पहले हमको इसका पेरीमीटर निकालना है फिर इसका पेरीमीटर निकालना है। कहता है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, दोनों का पेरीमीटर निकालिए और बताइए किसका पेरीमीटर ज्यादा है, ट्राइंगल का या फिर रेक्टेंगल का। देखिए कैसे होगा, ये है मेरा नंबर फाइव, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या साइड है, एक है 5/2, 2 3/4, 3 3/5, 5/2, 2 3/4 + 3 3/5, इसको ऐड किए हैं तो क्या आ गया 5/2, 11/4, 18/5। इसको देखिए नीचे में क्या है, 2 है, 4 है और 5 है, इसका एलसीएम चलाता है मेरा 20, नीचे में 20 आ गया, इस तरीके से मेरा ऊपर में हो जाता है 5 × 10 + 11 × 5 + 18 × 4, तो ये हो गया मेरा 50 + 55 + 72/20, इन तीनों को ऐड किए तो मेरा आंसर आ गया 177/20, लेकिन ये है मेरा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड किए तो मेरा आंसर आ गया 8 17/20 सेंटीमीटर, जो कि हो गया मेरा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब हम लोग निकालेंगे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई, हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, ये हो गया है 2, ये हो गया है इंटू, लेंथ क्या दिया हुआ था, लेंथ है मेरा इसका 2 3/4, देखिए 2 3/4 आ गया, प्लस ब्रेथ क्या है मेरा 7/6, तो 7/6 देखिए यहाँ पर आ गया, ये 7/6 ऐड कीजिए,
फोर टू जा एट प्लस थ्री इलेवन यानी कि इलेवन बाई फोर प्लस सेवन बाई सिक्स। फिर इसको सॉल्व किए हम लोग, मेरा आंसर आ गया नीचे में 12, एलसीएम लिए दोनों का तो ऊपर में हो गया मेरा 11 इंटू थ्री प्लस 7 इंटू टू। ठीक है, ये हो गया है मेरा 2 ब्रैकेट में 33 प्लस 14 बाई 12। फिर आ गया देखिए 2 47 बाई 12, तो 2 से 12 कट गया यानी 2 6 जा 12, मेरा आंसर आ गया 47 बाई 6। ये हो गया मेरा सेंटीमीटर्स में। तो देखिए यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया, यहाँ पे मेरा आंसर आता है 177 बाई 20 और आता है 47 बाई 6। दोनों का ही मेरा डिनोमिनेटर एक नहीं है, ठीक है, एक का 20 है एक का 6 है। तो कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दोनों को हमको सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे होगा, एलसीएम लेंगे। फर्स्ट वी नीड टू गेट ए कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज 60। एलसीएम निकाले हैं 20 और 6 का, तो निकला है मेरा 60। तो नीचे में 60 हो गया, ये क्या हो गया ऊपर में 177 इंटू 3 और ये हो गया मेरा 47 इंटू 10, ये हो गया 531 बाई 60, ये हो गया 470 बाई 60। तो 531 में और 470 में कौन सा बड़ा है, 531 बड़ा है ना, तो 531 किसका था, 531 था मेरा 177 बाई 20 का। तो 177 बाई 20 किसका था, 177 बाई 20 था मेरा ट्राइंगल का पेरीमीटर, है ना। ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने पता किया कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बीसीडी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है सलील वॉन्ट्स टू पुट ए पिक्चर इन फ्रेम। सलील एक पिक्चर को फ्रेम में पुट करना चाहता है। द पिक्चर इज 7 3 बाई 5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर का जो साइज है वो है 7 3 बाई 5 सेंटीमीटर वाइड। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैनॉट बी मोर देन 7 3 बाई 10 सेंटीमीटर वाइड। जो फ्रेम है उसमें पिक्चर को बैठाने के लिए या पुट करने के लिए मेरा पिक्चर 7 3 बाई 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। ये जो पिक्चर है इसको कितना काटना पड़ेगा ताकि यह फ्रेम में बैठ सके, यानी कि उसके पास एक फ्रेम है, ठीक है, समझिए कि ये उसका फ्रेम है और जो उसका पिक्चर है वो पिक्चर फ्रेम से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ये है उसका पिक्चर, उसको फ्रेम में बैठाना है। तो फ्रेम तो मेरा छोटा हो गया, पिक्चर बड़ा हो गया, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम, यानी कि पिक्चर को हम लोग कितना काटेंगे यानी कि ट्रिम करेंगे कि मेरा फ्रेम में आ जाए। पिक्चर का साइज है 7 3 बाई 5 यानी कि 38 बाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और फ्रेम का साइज है मेरा 7 3 बाई 10 यानी कि 73 बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए इसका नीचे में क्या है 10 और इसके नीचे में क्या है 5, तो हमको सेम लेके आना है दोनों का डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, इसका नीचे में इंटू 2 कर दिए, ये आ गया 5 इंटू 2 यानी कि 10, इसलिए ऊपर भी हो गया 2 यानी कि 76 आ गया, मेरा हो गया ये 76 बाई 10 सेंटीमीटर्स। अब देखिए पिक्चर का साइज हो गया है 76 बाई 10 सेंटीमीटर, फ्रेम का साइज हो गया है 73 बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि पिक्चर मेरा बड़ा है फ्रेम से, तो कितना बड़ा है। दिस इज डन टू गेट ए कॉमन डिनोमिनेटर। ये जो किए हैं हम लोग इसलिए किए हैं ताकि हमको एक कॉमन डिनोमिनेटर मिल सके, ताकि हम पता कर सकें कि पिक्चर साइज मेरा कितना बड़ा है। देखिए द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाई 76 बाई 10 माइनस 73 बाई 10 यानी कि मेरा आंसर आ गया 3 बाई 10 सेंटीमीटर। पिक्चर को हमको 3 बाई 10 सेंटीमीटर ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पिक्चर मेरा इस फ्रेम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। ये कहता है रीक्रिएट 3 बाई 5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाई हर ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, हु हैड द लार्जर शेयर बाई हाउ मच। ये है नंबर 7। यहाँ पे रितु एट 3 बाई 5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, यानी कि रितु ने एक एप्पल लिया और एक एप्पल में से उसका 3 बाई 5 पार्ट खा लिया, ठीक है, तो कितना बच गया। अगर एक एप्पल में से हम लोग 3 बाई 5 पार्ट को माइनस कर दें तो मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा यहाँ पे 2 बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हो गया मेरा कि टोटल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज 5 बाई 5 यानी कि टोटल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज 1, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, रिमेनिंग एप्पल विच हैज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू इज 5 बाई 5 यानी कि 1 माइनस 3 बाई 5 यानी कि 2 बाई 5। ओके, सिंस 3
इज ग्रेटर देन 2 विथ ए कॉमन डिनोमिनेटर, देयरफॉर रीतु एट लार्जर शेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या था मेरा 3/5, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 2/5, मतलब डिनोमिनेटर मेरा सेम आ गया 5/5, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ऊपर का नंबर में 3 बड़ा है, 3 बड़ा है यानी कि रीतु ने ज्यादा अपील, ठीक है, इसलिए कहता है कि 3 ग्रेटर देन 2 विथ ए कॉमन डिनोमिनेटर 5, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि रितु हैड लार्जर शेयर, रितु ने ज्यादा एप्पल खाया। तो रितु ने कितना ज्यादा खाया, रितु एट मोर देन हर ब्रदर सोमू बाई कितना, रितु ने खाया था 3/5, सोमू ने खाया 2/5, तो रितु ने कितना ज्यादा खाया, हम लोग माइनस कर दिए 3/5 के साथ 2/5 को, आंसर आ गया 1/5, यानी कि रितु ने 1/5 एप्पल ज्यादा खाया है सोमू से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल एक पिक्चर को कलर कर रहा था और पिक्चर को कलर करने के लिए उसको लगा है 7/12 आवर। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। वैभव भी कलर कर रहा था सेम पिक्चर को, लेकिन वैभव ने टाइम लिया है 3/4 आवर। हु वर्क लॉन्गर, कौन ज्यादा टाइम तक काम कर रहा था, बाई वट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, कितने फ्रैक्शन से वो ज्यादा काम किया, देखिए कैसे होगा। ये है नंबर 8, माइकल टुक 7/12 आवर, माइकल ने 7/12 आवर लिया है एक पिक्चर को कलर कर। वैभव टुक 3/4 आवर, वैभव लेता है 3/4 आवर उसी सेम पिक्चर को कलर करने, यानी कि देखिए यहाँ पे नीचे में है 12 और यहाँ पे नीचे में है 4, तो हमको एक कॉमन लेके आना पड़ेगा डिनोमिनेटर, तो 12 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 × 3 कर दिए, नीचे में आ गया 12, नीचे में इंटू 3 के तो ऊपर भी इंटू 3 करना पड़ा, तो 3 × 3 आ गया 9, यानी कि यहाँ पे आ गया 9/12, यहाँ पे आ गया 7/12, ओके, दोनों का ही मेरा डिनोमिनेटर सेम आ गया। देखिए सिंस 9 इज ग्रेटर देन 7, यहाँ पे 9 जो है वो 7 से बड़ा है, विथ ए कॉमन डिनोमिनेटर जो कि है मेरा 12, यहाँ पे मेरा एक कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 12, ऊपर में मेरा 9 बड़ा हो गया है 7 से, इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर वैभव वर्क्ड लॉन्गर, यानी कि वैभव ने ज्यादा काम किया है माइकल्स, ओके। वैभव वर्क्ड लॉन्गर बाई हाउ मच, वैभव का आ गया मेरा 9/12 पहले और फिर माइकल का आ गया 7/12 बाद में, हम लोगों ने माइनस कर दिया तो क्या आ गया, मेरा माइनस करने के बाद आया 2/12 यानी कि 1/6 आवर, तो वैभव ने माइकल से 1/6 आवर ज्यादा काम किया, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन to get new video updates.